हम पढ़ेंगे समझेंगे वचन से भी नशा या दारू एडिक्शन उससे परमेश्वर का राय क्या है या वचन क्या सिखाता है बाइबल क्या समझाना चाहता है बाइबल का व्यू पॉइंट क्या है वो भी हम सीखेंगे आज के अध्याय पांच उन्नीस से लेकर चौबीस तक बुक ऑफ गले चैप्टर फाइव वर्स नाइनटीन टू ट्वेंटी फोर अब आज आ रहे ना आप तक पीछे पांच उन्नीस से लेकर चौबीस तक पढ़ेंगे के अध्याय पांच नाइनटीन टू ट्वेंटी फोर शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यविचार गंदे काम लूचपन मूर्ति पूजा टोना बैर झगड़ा ईर्षा क्रोध विरोध फूट विधर्म ढा मतवालापन लीला क्रीडा और इनके जैसे और और काम हैं इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे 19 से लेकर 24 तक दोबारा पढ़ेंगे कौन कौन परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर सकता प्रभु को समझने के बाद भी बपतिस्मा लेने के बाद भी तिरस्कार करने के परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद भी कौन कौन किस किस बातों में जाएंगे ये अन्य जाति के लिए नहीं लिख रहा गलातिया चर्च को समझाने परमेश्वर कौन सी चर्च को समझा रहे समझा रहे ये जो प्रैक्टिस करेगा तुम पहुंच नहीं सकता पढ़ लीजिए शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यविचार गंदे काम लूचपन शरीर का काम है लूचपन गंदे काम है। शरीर को पसंद ये सब काम करने के लिए मजा आता है ठीक है आगे मूर्ति पूजा टोना बैर झगड़ा ईर्षा क्रोध विरोध फूट विधर्म ढा मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और और काम हैं इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे पर आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं और जब शरीर के काम ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा जलन करना किसी काशिश में मिर्च लगना लड़ाई झगड़ा करना कंफ्यूज बट शरीर आत्मा का काम तो प्रगट है आत्मा का फल को बोला जॉय पीस है. उसका मतलब जो बंदा पवित्र आत्मा से भरता है आप प्रार्थना करने के टाइम आप पवित्र आत्मा से भर रहे हो और पवित्र आत्मा के अगुवाई मांगते हो और पवित्र आत्मा की डायरेक्शन में चलते हो जो बंदा पवित्र आत्मा की अगुवाई से पवित्र आत्मा फिल होके चलेगा उसको ईर्ष्या नहीं होगा उसको लड़ाई झगड़ा करने का एटीट्यूड नहीं होगा उसको जलन नहीं लगेगा दूसरों के आशीष में उसको कुछली नहीं होता कुछ बंदे जो सेल्फिश है वो दूसरे टेस्टमनी दूसरा शेयर करता है वो उसको खुशी नहीं हो रहा वो सोचता है मुझे नहीं मिल रहा मुझे नहीं मिल रहा मुझे नहीं मिल रहा जो सेल्फ सेंटर्ड बंदा होता है बहुत बंदा मैंने देखा वो खुद के लिए आशीष है हमेशा रोता रहता है मुझे ये नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला दूसरे की खुशी में भी आश, उसके आशीष मिला टेस्टमणी मिला उसमें भी आज सेलिब्रेट करना शुरू करना परमेश्वर आपका अपनी गवाहियाँ देंगे और जब आप आत्मा से भरना शुरू होंगे पवित्र आत्मा से भरना शुरू होंगे आप देखना आपकी लाइफ में रिजल्ट फलों को भरना आत्मा से, से पवित्र आत्मा से भरना और एक जगह लिखा गया मत वाला पन ये शरीर का है जो मत वाला पन है मतलब जो दारू में नशे में उसी में चलते जाने वाला परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं हो सकता ये अन्य जाति के लिए नहीं बोला जो यीशु में आया यीशु में नहीं आया उन व्यक्तियों के लिए नहीं बोला कलिशिया में आने के बाद भी जैसे आप बहुत सारे लोगों की मुंह से सुनेंगे दारू पीना तो ओके क्रिश्चियन तो पेग तो एक तो मारते कोई दिक्कत नहीं है यीशु मसीह को भी पानी को किस क्या किया यीशु मसीह ने पानी को दाकरस में बदला बट अंग्रेज दाकरस हिंदी में आ, दाक मधु ये सब सोचते हैं जो ठेके में मिलने वाला दारू है वो बस यीशु मसीह ने ये तो अच्छी बात है ना हमारा परमेश्वर तो बढ़िया है ना उसका मतलब तो नशा लेने के लिए तो पैसा लेने की जो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है पानी लिया और प्रार्थना करो येश मसीह को बोलो यशु मसीह अभी ठंड चल रहा है इसको दो लीटर पानी लिया है दो लीटर बियर में बदलो ठंड के टाइम है गर्मी है जी दो लीटर पानी लाए बस इसमें र, रम में बदलो जी थोड़ा गर्मी हो जाए परमेश्वर उसकी बात नहीं कर रहा वो जो जब लोग बोलते वो बेवकूफ है क्योंकि यीशु मसीह उस घर पे गया जो पानी को यीशु मसीह ने दाक में चेंज किया समझो आज गर्मी है हम किसी की घर पे शादी चल रहा है चला गया रोबजा खत्म हो गया या पेप्सी रखा हुआ था जूस रखा था खत्म हो गया बेस्ती की बात है यहूदियाँ है एक फर्मेंटेड ड्रिंक फर्मेंटेड मतलब दूध हम फर्मेंट करते हैं लस्सी बनाता है या दही बनाता है सेम वे फर, जूस भी फर्मेंट करते हैं और लाइट एल्कोहल होगा थोड़ी सी परसेंटेज में आ, आप कुछ जूस पीते हो आ, अंगूर का आम आम का उसमें भी लाइट परसेंटेज में अल्कोहल होती है बट उसको हम दारू में हम काउंट नहीं करते सो so, ये मत समझना क्रिश्चियन है मैं पी सकता हूं बट परमेश्वर ने वचन में लिखा गया जो जो मत वाला पन है जो जो ड्रंकडनस है जो जो नशे के एडिक्ट है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं हो सकता आप बोलेंगे पास्टर ठीक है आप पास्टर है आपने लिया नहीं होगा मैंने अपनी कॉलेज के टाइम में पिया मसीह होने के बाद भी बीच में ये आदतों में आ गया था फिर रिपेंट करके परमेश्वर के राज्य में आया मसीह होने के बाद भी बीच में शुरू किया था कुछ टाइम बड़ माफ तोबा मांगा परमेश्वर से फिर वापस क्योंकि ये समझ आया ये मेरे लिए नहीं है ये परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं है आप जब ऑब्जर्व करते हो जो नशा एक मैं जनरल बात भी बता रहा हूं सबसे ज्यादा रोड में एक्सीडेंट किस काम पे होता है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 2011 का डाटा है एक साल हिंदुस्तान में पच्चीस हजार लोग नशे की ड्राइविंग का एक्सीडेंट से मरता है या खुद गाड़ी मरवाता है या नशे की लट में जाके दूसरे के गाड़ी ठोकता है मारता है और जो नशा की एडिक्शन में दारू की एडिक्शन में होता है उसका जिंदगी खत्म हो जाता है आपने अभी कुछ दिन पहले एक महीना पहले एक न्यूज पढ़ा होगा एक सत्रह साल का लड़का अमीर घर का लड़का अपनी पौश पौश मतलब दो ढाई करोड़ का गाड़ी दारू पिया ढाई तीन बजे तक रात में बैठ के उसके बाद गाड़ी चला के किसी को मारा सुना था ना आपने उसकी घर पे उसके बाद उन्होंने क्या किया लड़का बहुत पैसा वाला घर का है उसका सत्रह साल का जन्मदिन में घर वालों ने खरीद के दिया था वो तो घर वाले हैं अलग बात है और पैसा वाला सोचा पैसा है उसको बचाएंगे हॉस्पिटल में गया जिस डॉक्टर ने इलाज किया उसको तीन लाख रुपये पकड़ाया लिख देना इसकी ब्लड में नशा मिला नहीं अल्कोहल मिला नहीं आप जानते हैं ना हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इलाज करते हैं ब्लड में नशा तो नहीं है बाद में केस के लिए या इलाज जो जानबूझ जो चलते हैं उसके लिए और उसका ब्लड दिया था उसकी माँ ने क्योंकि परिवार बच्च, बच्चे को बचाने के लिए सोचा खुद की जैसे ब्लड लगेगा डीएनए की जैसे माँ ने ब्लड दिया बीच में लोगों ने अरेंजमेंट किया अब लड़का जेल में उसकी माँ जेल में उसकी फादर जिसने ब्राइब दिया वो जेल में पुलिस वाला जेल में उसकी दादा उसी ने भी किसी को फोन करे वो पूरी परिवार अभी जेल में एक लड़के का उल्टी उल्टा सीधा कारण के चक्कर में नशा घरों को बर्बाद करेगा उसी टाइम वो बाप समझदार होता समझदार होता तो सत्रह साल के लड़के को तो रात को ढाई बजे तक तो छोड़ता नहीं अलग बात है समझदार होता तो उस छोटा लड़के को इतना महंगा गाड़ी इसी उम्र में खरीद के देता नहीं है होता या दादा समझदार होता घर पे एक बंदा समझदार होता बोलता तू छ महीने पढ़ रहे अभी सीखने दो या सजा ले फिर ठीक होके वापस आ जा अब पूरी परिवार उसको सुधारने में गड़बड़ी में जब आप धरती में भी देखते हो बहुत नशा जो है मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ मुझे पवित्र आत्मा की अभिषेक की बात नहीं जब मसीह होने के बाद भी बीच में मैंने थोड़ा पीना मेरे को समझ आ गई यार ये मैं कर क्या रहा हूं एक वर्ष जो मुझे मुझे समझाया लास्ट में मैं शेयर करूंगा एक बाइबल वर्ष जो मुझे चेंज किया गया तो आज मैं लॉजिकली भी समझाने कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत सारे लोग आपने मूवी देखते हैं संजय दत्त एक बार बीच में नशे में आ गया अपने करियर उसने खराब किया आप पड़ोस में देखेंगे बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियन कुछ लोग अच्छा चल रहा था बट नशे के लट में आ गया पूरी जिंदगी खत्म किया अपनी गली में मिलता है ना कोई ना कोई तो मिलेगा आपको बहुत पैसे वाला था जी पी के सब कुछ हम खत्म कर दिया नशा खत्म कर सकता है आपको जिंदगी को खत्म कर सकता है परिवार को खत्म कर सकता है वो कुछ भी तरीके का नशा हो घर बेच डालेगा पूरा खत्म कर देगा आप एग्जाम्पल देख रहे हैं हमारी प्रधानमंत्री जी देखो नरेंद्र मोदी जी वो पीता नहीं है आप बोलेंगे मैं तो बिजनेस में हूँ जी बड़े लोगों के साथ मिलते हैं थोड़ा मीटिंग में बैठने का टाइम है उनके साथ पीना पड़ेगा अरे भाई प्रधानमंत्री जाता है बड़े बड़े बाहर का आ, प्राइम मिनिस्टर्स को मिलता है प्रेसिडेंट को मिलता है वो कप उठाता है ना जो ग्लास उठाता है शीशे चीयर्स बोलता है वो अपना जूस लेता है अपना पानी लेता है दूसरा पीने दो वो उसकी मर्जी है अगर प्राइम मिनिस्टर हमारा देश का नशा नहीं लेता अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्रेसिडेंट बाइडेन के पहले बैठा था वो नहीं पीता उसने बोला वो कैसेनो चलाता है नशा बेचने वाला होटल चलाता है बोलता है मैं नहीं पीता वो पिलाता है पीता नहीं है क्योंकि उसने बोला उसका बड़ा भाई नशे में मर के ख़त्म होकर उन्होंने देखा तो आप एग्जाम्पल देखना है आपके आप आसपास में अच्छे लोगों से एग्जाम्पल ले लीजिए और जो बंदा पीता है उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा जिसने पंद्रह साल बीस साल की उम्र में पीना शुरू हो गया नशा लेना शुरू हो गया दारू की नहीं है कुछ भी हो कैंसर तंबाकू अच्छा लग रहा है मैं लेबर हूं जी काम करने के लिए तंबाकू के बिना आप लेबर हो आप मालिक हो आपको नशा तंबाकू चैनी खैनी रजनी गंदा उसकी जरूरत नहीं है आप अपने होश में काम कर सकता है दूसरा पी रहे कर रहे सिगरेट पी रहे आप क्यों अपनी जिंदगी को ख़त्म करना है खराब करना है बाइबल क्या कहते हैं आज बाइबल में देखते हैं और हिंदुस्तान में चार पाँच लाख करोड़ के ऊपर से दारू पीता है और जो भाई लेबरी काम करते हैं दिन में पाँच सौ हजार रुपये दिहाड़ी कमाता है वो जाता है हजार रुपये में पाँच सौ का नोट दिखा के पवा ले लिया या दारू ले लिया और ठेकेदार तो शाम को पैसा गलत करने के लिए अपनी फॉर्चुनर में आएगा और अपनी मर्सिडीज में आएगा और अपन जा अपन कहीं लेटा रहेगा होता है कहीं ना कहीं वो ठेकेदार तो हर साल गाड़ी बढ़ाते जा रहे ठेकेदार प्लॉट खरीदते जा रहे ठेकेदार तो अपना इनकम बढ़ाते जा रहे बट जो बंदा खर्च करता है इसी चीज़ के लिए उसकी ज़िंदगी परिवार में आज आपकी अकल से बात कर रहा हूँ प्रार्थना तो हम करेंगे पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे बट मेरा विश्वास किसी न किसी का दिमाग में घुस गया जैसे मुझे समझ से चीज मैं चेंज करता हूं मुझे कुछ चीज चेंज करना है कोई आदत हो कोई चीज हो मेरा दिमाग में घुसना जरूरी है जब दिमाग में घुसता हूं लॉजिकली बात करता हूं समझाता हूं हां ये भाई मेरे लिए ठीक नहीं है फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का ताकत को परमेश्वर का ताकत को हम मांगेंगे बट एट द सेम टाइम दिमाग को समझाओ चीज को तंबाकू का नाम बताओ एक आध रजनीगंधा और क्या हो गया छेनी खेनी हाँ? दिल बाग उसका एड देने के लिए कौन आता है आलिया भट्ट आता है शाहरुख खान आता है उनके सबके दांत कैसे होता है सफेद सफेद दांत और जो इस्तेमाल करने वाले का दांत देखना आप दांत होता ही नहीं है बीस साल इस्तेमाल करेगा दांत खत्म हो जाता है कुछ तो होता नहीं अंदर वो दिखाता है मतलब ये कोई इस्तेमाल नहीं करेगा इवन बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स का एड जो दिखाता है वो पीते भी नहीं है वो अपने बेचता है खत्म कर देता है आप इस चीज को समझ लो और बाइबल में क्या कहता है और जब पीने वाला एक लॉजिकली समझाता हूं मैं आदमियों को समझा रहा हूं इस चीज एक आदमी का सबसे ज्यादा जरूरत है परिवार को 20 साल की उम्र में आदमी बैठे आप आदमी लोग ज्यादा इस नशे के एडिक्शन में आता है लेडीज भी है Uh, बहुत सारे गांव में पीता है सिगरेट मारते सब बट एक आदमी का जरूरत एक परिवार को आदमी का 20 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में 40 साल की उम्र में 50 साल की उम्र में कौन सी उम्र में परिवार को एक आदमी का सबसे बड़ा जरूरत होता है 20 साल की उम्र में जरूरत है हर उम्र में बट सबसे ज्यादा आदमी का जरूरत पड़ता है 50 से लेके 48, 45, 50, 60, उन 15 साल 45 से लेके 60 साल का जो लास्ट 15 साल है वो एक परिवार को एक आदमी का सबसे बड़ा जरूरत है बताता हूं कैसे समझो 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में शादी कर लिया बच्चा हो गया अट्ठाईस या तीस साल की उम्र में जब बंदा पचास में पहुंचता है तब उसका बेटी या बेटा बीस या बाईस साल का पहुंचेगा लड़का बाईस साल का लड़के को नौकरी भी नहीं लग गया होगा चौबीस पच्चीस साल लगता है डंक के नौकरी रह के एक बार कुछ कमाने लायक होता है और बाप का उम्र तब 50 टू का हो गया होगा बाप जिसने 20 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में दारू शुरू किया उसका लीवर आधा खत्म हो चुका होगा किडनी हाथ खड़ा कर लिया होगा लड़के को नौकरी नहीं लगा तब भी बाप लड़का सेट नहीं हुआ या लड़की का शादी भी नहीं हुआ तब जाके बाप का लीवर की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट महीने पांच हजार रुपया बाप की लिवर की दवाई के लिए और लड़का शाद लड़का नौकरी लग गया शादी करने के पहले बाप का लीवर का इलाज करना है जो दो लाख रुपये लोन ले लिया लड़के ने दो लाख लोन लेके इलाज भी कराया लड़के का शादी होना हो भी चुका है बाप मर गया लड़के का सिर पे अभी पांच लाख लोन खड़ा है और लड़का बाप को खुशी से याद नहीं रखेगा वो सोचेगा जिंदगी में प्रार्थना करने वाला बोलेंगे पंद्रह साल पहले क्यों नहीं उड़ाता मेरा लोन उठाने के पहले क्यों नहीं उड़ता सबसे ज्यादा जरूरत टाइम एक आदमी का आपका फोर्टी फाइव से लेके आपका पहला बेटी हो बेटी का शादी होने का टाइम होगा उसका शादी कराने के टाइम पे डॉक्टर के इलाज के लिए लिवर के इलाज के लिए बीमारी के लिए जाते होंगे और आपका एंजॉय करने का टाइम डॉक्टरों के पास लिवर डॉक्टर के पास किडनी डॉक्टर के पास और डाटा ये कहता है कैंसर भी सबसे ज़्यादा दारू पीने वाला लोग दारू नशा जो भी नशा इस्तेमाल करता है उसका सेल एक्चुअली मर जाता है टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाता है शरीर में फोड़े कैंसर निकलना शुरू हो जाएगा उसका मतलब ये नहीं है जो कैंसर उसी कारण ही आता है नहीं सो so, आपकी आद, आज आज मैन बैठे बेस्ट डे था दारू ना पीने का वो था आप अब जिस दिन आपने शुरू किया आज आप चेंज कर सकते हैं डिसीशन ले सकते हैं मैं नशे से आज से टच नहीं करूँ आप डिजायर रखो इच्छा रखो बाकी काम परमेश्वर भी करेंगे मैं आपको हेल्प करूंगा इसे बिब्लिक नहीं है, आपकी गोल्डन पीरियड में अपने पोते के साथ आप खेल नहीं पाओगे अपनी बेटी बेटी छोटा से बढ़ रहा था आप बिजी था काम पे ऑफिस में जॉब पे व्यवसाय खड़ा करने में आप सोचते हैं चलो पचास साठ का हो गया अपनी पोती के साथ खेलेंगे बचपना देखेंगे अपनी बेटी का भी आप होंगे नहीं ऊपर बैठ के देख रहे होंगे बेटी भी बोल रहा होगा क्या पापा दारू पी के खत्म कर दिया चाहते हो ऐसे जिंदगी प्रोवर्ब्स अध्याय बीस का एक देखते परमेश्वर का वचन में लॉजिकली भी दिमाग के साथ भी परमेश्वर समझाने क्या चाह रहा है नीति वचन अध्याय बीस का एक दात मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है और जो कोई उसके कारण चूक करता है स्क्रीन में स्क्रीन में भी डाल दीजिए बाइबल वर्ष नीति अध्याय बीस का एक दाक मधु करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं वाइन इज ए मोकर एंड बियर ए ब्रॉलर हूर इज वाइन इज इन मोकर एंड ए बियर ब्रॉलर दाख पढ़ लीजिए उस पहला सेंटेंस दाख मधु छटा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाला हल्ला मचाने वाला जो पी के ड्रामा करने वाला आपने देखा होगा ना पी के अपनी गलियों में मोहल्लों में ड्रामा करने वाला बेस्ती करने वाला कोई कुछ बंदा तो कपड़ा उठा के फेंकता है बेस्ती करता है अपने आप को आ ओ ड्रामा करता है कोई वीडियो में लेते हैं अगला दिन तो दे बताएगा देखो चाचा तू क्या कर रहा था कल पी के कल नशे में तूने क्या किया बेस्ती होगा मोहल्ले में परिवार में समाज में इमेज है बट जब पीने वाला लड़ाकू बनेगा लड़ाई झगड़ा करने वाला क्योंकि वाइन वाइन को भी स्पिरिट बोलता है ना दारू को भी स्पिरिट बोलता है ना दारू मैं आपको स्पिरिचुअल बात समझाता हूं शैतानी स्पिरिट को हमारी कंट्रोल चले जाता है जब खुद का पवित्र आत्मा का कंट्रोल अपनी शरीर से चले जाता है और शैतानी स्पिरिट एक्टिवेट हो जाता है जो नशा एक केमिकल कॉम्बिनेशन है हर नशा एक केमिकल कॉम्बिनेशन है डिमोनिक और शैतानी स्पिरिट को इनवाइट करने के लिए इसलिए उल्टा सीधा काम करता है लड़ाई झगड़ा करता है क्यों नशा लेने के बाद वो अच्छा काम क्यों नहीं करता क्यों नशा लेने के बाद लड़ाई झगड़ा सुलटाने नहीं जाता नशा क्यों उल्टा सीधा काम ही कराता है क्योंकि उसका नाम भी स्पिरिट है वो डिमोनिक स्पिरिट है पवित्र आत्मा भी स्पिरिट है वो भी एक नशा जो पवित्र आत्मा का नशा जिसने एक्सपीरियंस किया बाकी सारे सस्ता नशा है जो ज, रियल जिन्होंने एंजॉय करते हैं पवित्र आत्मा को आप अडिक्ट हो जाओगे पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा का जो स्पिरिट है वो आपको आगे बढ़ाएगा वो आपको ब्लेसिंग्स में लेके जाएगा तो किससे पीना किससे भरना चाहते हो ओल्ड मंक जोड़े वॉकर नहीं जी जोनी कर महंगा जी हम तो पवा वाले सब दूर करो भरो पवित्र आत्मा की अगुवाई से तब आप ब्लसिंग्स में जाएंगे क्योंकि लोग सबसे ज्यादा गोली मारना चाकू चलाना उल्टा सीधा काम अगला दिन पुलिस स्टेशन में पहुंच गया सुबह माफी मांगते होंगे बट पुलिस वाला बोलेंगे बेटा चाकू मारा उसके लिए माफी नहीं जेल ही होगा दारू पिया चाकू मारा दारू पिया गोली चलाया आज तो सुबह कह रहे मैंने कल दारू में किया ये थप्पड़ की बात नहीं है कुछ बोल के माफी बोलने वाली बात नहीं है सजा पुलिस स्टेशन में जमा करना पड़ेगा या कोर्ट में देना पड़ेगा कुछ जिंदगी के साथ दे रहे हैं वो सत्रह साल का लड़का जो अच्छा जिंदगी हो सकता है पांच सौ एक हजार करोड़ का वर्थ फैमिली है वो अब बाप दादा मम्मा बेटा सब अभी जेल में है जी वाइन इज ए ब्रॉलर पढ़ लीजिए उसी को दिमाग में घुस जाए बात है मुझे लॉजिकली बात समझ आता है मैं बाइबल भी दिमाग से दिमाग लेने के लिए पढ़ता हूँ समझता हूँ आत्मा बट मुझे लॉजिकली बहुत चीज समझ आता है मैं आज लॉजिकली समझा रहा हूँ आपको इस चीज को क्यों आपको नुकसानदायक है आपकी पति के लिए बेटे के लिए आप खुद के लिए कैसे ये नुकसानदायक है नशा तंबाकू दारू अच्छा पाशी सिगरेट के बारे में तो लिखा नहीं इसमें कल तो और नशे आएंगे मेडिकल नशे के बारे में लिखा नहीं है इसमें बट नशा सारे एक ही कैटेगरी नया नशा आते रहेंगे और सब नशा नशा ही है आत्मा को मनुष्य को खत्म करने के लिए आता है तो आप इस चीज को ध्यान देंगे प्रोब 21 का 17, उसी नेतिवचन अध्याय 21 का 17 जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है और जो डाक मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता और पढ़ लीजिए इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है और जो दाक मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता जो दाक मधु पीता है और ऑयल से ऑयल मतलब डाक मधु पीने वाला अमीर नहीं हो सकता उसका मतलब जो नशा है नशा पीने वाला नशा इस्तेमाल करने वाला एक लेबर पाँच सौ रुपये कमाता है सौ रुपया उसने तो तंबाकू में उड़ाना है छेनी खेनी में उड़ाना है पवा में उड़ाना है उल्टा सीधा काम में उड़ाना है घर पे कुछ ले ही नहीं जा पा रहा वो गरीबी होनी है बट जो दूसरा लेबर है बचा रहे वो कुछ दिन में अमीर और आशिश में बढ़ेंगे और जो तेल से पसंद करता है तेल मतलब महंगा खाना ना जैसे दारू पीना शुरू करते हैं उसको चखने के लिए चाहिए लेग पीस और महंगा महंगा मटन सी चाहिए हज़ार रुपए दारू ले लिया हज़ार रुपए का चकना भी हो गया जी पार्टी करते हैं और डेली ये करता रहेगा वो कभी ब्लेसिंग में नहीं हो सकता क्योंकि उसका पैसा ही ख़त्म होता जा रहा है ये नहीं आप आपको चिकन पसंद है आप जो कुछ दारू वाले तो वेजिटेरियन भी होता है नशा मैं तो बस पनीर उसको डेली म, पनीर वो चाहिए क्या नाम है तंदूरी पनीर क्या बोलते हैं उसको पनीर टिक्का चाहिए ठेके के पास आम दुकान में ढाई सौ रुपए का पनीर टिक्का मिलता है ठेके के पास वाला साढ़े तीन सौ को देगा उसको पता है तो मजबूरी में जितने भी देते जाना है तो पीने के लिए तो चाहिए कुछ तो ये, ये गरीब, होता, गरीब होता गरीब होता गरीब होता रहेगा और जो नशे में आते हैं, नशेडिया रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं लाइफ में उसकी डिसीजंस गलत होता है से शादी करने वो गलत डिसीजन लेगा कौन सी व्यवसाय वैस, में पैसा लगाने है, गलत डिसीजन ले क्योंकि उसकी आत्मा आप गूगल में टाइप करके देखना जो बंदा 20 साल से नश, नशा ले रहे उसकी ब्रेन का साइज श्रिंग हो जाता है क्योंकि न्यूरॉन्स जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होता है जो हमें सोचने में मदद करा, करता है उसकी संख्या कम होना शुरू हो जाता है डेड हो जाता है कुछ एरिया तो बंदा मंदबुद्धि जैसे हो जाता है उसको पता नहीं है कौन सी व्यवसाय करना है आपने नशा बहुत सालों से करते वो किसी को भी पैसा उठा के देगा बिजनेस जिसने आ, वो कोई बिजनेस करने है, सुना जी उसको भी दो लाख में देता हूं वो डिसीजन ही नहीं ले पारा ढंग का किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना क्योंकि उसका चॉइस लाइफ में जो चुनो जो लाइफ में जो डिसीजन लेते है, वो सारी उसकी गलती जाता है फॉलो कर रहे हो आप so, नशे के साथ दोस्ती दोस्ती बीडी भी उड़ाएगा, फेफड़ा उड़ाएगा कैंसर अलग लेके आएगा और शैतानी इनवाइट करेगा इस चीज को ध्यान रखना नीति वचन अध्याय तेईस बीस से लेकर 21 मधु के पीने वालों में न होना नमाज के अधिक खाने वालों की संगति करना क्योंकि पियाकड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चितड़े पहनने पड़ते हैं और पढ़ लीजिए उसको बीस और इक्कीस पढ़िए दाखमधु के पीने वालों में ना होना न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना क्योंकि पियाकड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चितड़े पहनने पड़ते हैं एक मसीह में आने के बाद एक अपनी बेटा बेटी को परमेश्वर समझा रहा है जो पी दा सुट्टा मारने वालों की संगति में बैठना नहीं रहना खाते पीते रहते उनकी संगति में बैठा नहीं रहना क्योंकि जो उनकी संगति में भी बैठेगा वो गरीब हो जाएगा समझाता हूं और उसको भी आदत आ जाएंगे आप कह देंगे नहीं जी मैं तो पीऊंगा नहीं मैं जाके बैठ के चकना खाऊंगा नमकीन खाऊंगा पीनट्स नमक वाली मूंगफली खाऊंगा जी वो पिएंगे हम बैठेंगे मूंगफली खाते रहेंगे यह होगा नहीं और पियकड़ को जो पीता नहीं उसको पिलाने में बहुत मजा आता है जिसने पिया नहीं है ना उसको भी पिलाने में और फ्री में पिलाएगा पहला दो चार पेग पहला छेनी खेनी पहला पौवा पहला सिगरेट पहला मेडिकल नशा फ्री में आपको कोई ना कोई देता है हर नशा करने वाले से पूछना उसका गुरु ने उसको एक महीना बहुत फ्री में खिलाया पिलाया जिसने उसको पहला पेग दिया वो सब फ्री में होता है ये सिस्टम है शैतानिक सिस्टम दूसरे को भी लिया दूसरे को भी लिया हो उनके साथ बैठे रहेंगे गरीब होंगे उनके साथ बैठे रहेंगे इसलिए मैं मसीह में आता हूं मैं हर व्यक्ति को समझाता हूं अपने पुराना दोस्त को छोड़ दो कुछ साल हो कुछ साल नहीं छोड़ दो कुछ महीने ऑटोमेटिकली हट जाएगा क्योंकि पुराना उस दोस्त हमें वापस खींच के जाएगा उस गलत कामों में और जो बंदा प्रभु में टिकता भी नहीं है मैंने देखा जो गलत लोगों के साथ सुबह शाम बैठ के बात करता रहता है कुछ लोगों को गोसिप बहुत पसंद है मसी में आने के बाद कुछ आदमी को मुझे अभी लगता है आदमियों को लेडीज से भी ज्यादा गोसिप मसाला पसंद है मुझे लग रहा है अभी और बताओ जी और बताओ जी को प, बहुत मसाला पसंद है कुछ आदमियों को लेडीज से भी ज्यादा मैं पहले सोचता था उल्टा है बट मुझे एक्सपीरियंस हो गया आदमी कुछ तो बहुत पसंद है उनके साथ बैठोगे परमेश्वर से खींचेगा वापस लेके जाएगा गलत काम करवाया और जो पीने वाले का संगति में बैठेगा नशा करने वाले का संगति में बैठेगा हमें मरवाएगा खत्म करेगा ये क्यों इसलिए दोस्ती यारी वो खत्म करो जो आपको लगेगा आपको खत्म कर देगा आपको वापस लेके जाएगा मेरा एडवाइस है कुछ किसी का नंबर ब्लॉक करो नहीं तो बोलेंगे भाई हम इधर पार्टी करने जा रहे उधर पार्टी करने जा रहे चलो हमारे साथ और पेटू अपना भाग खो लेता है ईसो और याकूब या इसो को अपनी पहलोटा होने के अधिकार किस चीज के लिए वो बेचा चार करोड़ नब्बे लाख रुपए में बेचा जी पांच सौ सो किलो सोना के लिए बेचा किस चीज के लिए बेचा उसने एक कटोरी दाल उस अपनी शरीर के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाया जो खाता पीता रहेगा ग्लूटनस मैं आपको समझा रहा हूं कुछ बंदे रोटी खा सकता है दस रोटी दस रोटी खाने के बाद भी और लो जी मुझे और पेट में भर के रखता है वो शैतानी स्पिरिट है आपको खत्म करना है रेशन मुझे चाहिए घर पे चार बंद है उसके लिए रेशन मिलते हैं और मिलते तो चर्च से भी लेता है उस संस्था से भी लेता है चार लोग सब लेके अपने पास रखेंगे जी वो भी एक शैतानी स्पिरिट है ब्लस करो जिस परमेश्वर ने आपको चार लोगों के लिए रेशन महीने प्रोवाइड किया वो परमेश्वर अगले महीने भी प्रोवाइड करेगा इस महीने उस संस्था को बोलो मुझे एक जगह से मिल गया आप दूसरा किसी को दो हम तो सारे इकट्ठे करना चाहते हैं और दो जी और दो जी मैं एक पास्टर को जानता हूं वो पेन लेता है सबसे लेके अपने पास रखता है सन 1990 से पेन उनके ड्रॉयर में पड़ा है इस्तेमाल नहीं करता किसी को देता भी नहीं आगे इकट्ठे करते जा रहे पता नहीं किस चीज के लिए इकट्ठे करते जा रहे ऐसा नहीं कोई एंटिक पेन है पांच रुपए का रेनोल्ड ये सब दस पांच दस रुपए वाला पड़ा है वो आदत दिखाता है इकट्ठे करो इकट्ठे करो पेटू है ग्लूटनस है वो और दो जी और दो और दो अपनी पोषण देगा पढ़ लीजिए दोबारा उसको तेईस बीस समझ आ रहे हो हाल समझ आ रहे ना आपको समझ आ रहे ना या आज का पोष दिखा भी सकता है जो अपने परिवार को फैमिली को अपने हस्बैंड को अपनी वाइफ को अपने बच्चों को आपको खत्म कर सकता है जिंदगी खराब कर सकता है लॉजिकली भी धार्मिक बातों मैंने अभी आपको कॉमन सेंस वाली बात नॉर्मल सी बात समझाते जा रहा हूं स्पिरिचुअल या रिलीजियस बात नहीं है जो आम बात है जो समझ आता है आपको वो समझा रहा हूं नीति भजन तेईस पढ़ लीजिए कोई बात नहीं तेईस इकतीस से लेकर पैंतीस तक जब डाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा तो समुंदर के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा तू कहेगा कि मैं न मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी ना थी मैं होश में कब आऊं मैं फिर मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा इकतीस पढ़ लीजिए मैं एक एक आपको समझाता जाता इसका मतलब क्या क्या है बाइबल समझाने कोशिश कर रहे हैं आपको इकतीस जब दाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है आप तो... जाओगे सबसे ज्यादा लाइट अप डेकोरेशन किया हुआ दुकानें कौन सी होती है सड़कों में जब आप जाते हो सबसे ज्यादा लाइट कौन सी दुकान के सामने होता है ठीक है और आप देखोगे ऐसे सजा के रखा हुआ है पता नहीं डायमंड दुकान बेच रहे सोने की दुकान है क्या है और बोतलें जितना ज्यादा दारू से ज्यादा महंगा बोतलें होता है क्योंकि वो सब अट्रैक्शन ग्लास की शीशे की बोतल में अट्रैक्शन के साथ अलग वो दिखाना चाहता है क्योंकि तभी तो बेचेगा उसको देखो ही मत वो बोतल में डालेंगे स्पार्कलिंग कलर में अलग अलग बनाएंगे आइस uh, क्यूब डालेंगे उसके अंदर नाइट्रोजन uh, गैस भी डालते हैं आजकल शायद दु, दु आने के आइस क्यूब डालते हैं और अलग अलग वोड का बनाया जी वो सब देखने में मजा आएगा बट बत्तीस में एक चीज लिखा गया समझाने के लिए इन अंत में इन द एंड क्योंकि अंत में वह सरप के समान डसता है और करेत के समान काटता है अंत में वो काटेगा मारेगा अंत में लिवर का क्या होगा लिवर का क्या होगा लिवर कितने का मिलता है खरीदने में लिवर एक तो दुकान में बाज़ार में मिलेगा ही नहीं है और आपकी ब्लड ग्रुप के साथ मैचिंग होनी चाहिए और आज देखना है जाके आ, अपोलो मतानदा फरीदाबाद हो एशियन दिल्ली का कोई बड़ी हॉस्पिटलों हो में हेपेटोलॉजी जो लिवर की ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर होता है सर्जरी सब मिला के चालीस पचास लाख रुपए का बजट मांगेगा तब जब आपको लिवर देने के लिए कोई तैयार हो वो भी ब्लड रिलेटिव कोई तैयार हो अपने बाप मां बहन कोई तैयार हो गया कहीं से डोनेशन डोनेशन देने वाला घर वाले है तो भी हो सकता है भाई को बोलेंगे भाई बोलेंगे दे दूंगा बट जो दो किलो जो तेरे को बाप ने लिख के दिया वो मेरे नाम पे कर ले भाई ऐसे भी नहीं लिख के देने वाला है दो ढाई करोड़ तो चाहिए आम बंदा तो भूल ही जाओ किडनी वो भी नहीं मिलने वाला है दो ढाई करोड़ के नीचे अंध में क्या करेगा सांप की समान ड़सेगा सांप की समान ड़सेगा मारेगा खत्म करेगा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा और एक थर्टी थ्री तैतीस तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा तू विचित्र वस्तुएं देखेगा बोलेंगे दो दो बंदा दिख रहे जी सामने मैंने कल मेरी मरा हुआ बाप पच्चीस साल के पहले मरा था वो कल रात में मेरे सपने में आया सारे विचित्र वस्तुएं देखेगा और तू कंफ्यूज चीज बोलना शुरू करेंगे हर नशेड़ी अपनी बीवी को डाउट करता है ये किसी और के साथ जाता है जी वो विचित्र वस्तुएं सोचता है हर नशेड़ी अपनी वाइफ डाउटर होता है हर नशेड़ी का एक क्वालिटी है अपनी बीवी को डाउट करता है क्योंकि उसका दिमाग तो बेवकू शैतानी दिमाग होना शुरू हो गया पी के घर पे बैठा है नौकरी नहीं कर रहा बीवी ने सोच लिया घर परिवार तो मैं पालूंगा उसने कहीं जाके नौकरी करना शुरू हो गया छह बजे के जगह सात बजे आएंगे बोलेंगे तू तो गलत काम कर रहे जी अभी विचित्र वस्तु सोचेगा घर बर्बाद करेगा मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं आप आस पड़ोस देखना परिवारों में देखना ऐसे टिपिकल कैरेक्टर मिलेंगे एक आध चाचा मामा तो आपके चेहरे के सामने आ चुका है कौन ऐसे काम करने वाला क्योंकि बाइबल में लिखा आ गया और होता भी है विचित्र वस्तु देखेगा उल्टा सीधा बात बकेगा और 34 में तो समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने आपने वाले समुद्र के बीच में आ, मैं गया बीच में बहुत बार आप जब बोट में जाते हो बीच की आपको डर लगेगा और आप ऐसे से होता रहेगा जो और पीने वाला को कैसे लगेगा पीने वाला सीधा खड़ा होता है उसको लगेगा समुद्र के बीच में हिलता रहता है उसक, उसको बैलेंस नहीं होगा अपनी जिंदगी में और पैंतीस तो कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी ना सुबह उठा शीशे के सामने खड़ा होगा देखा अंग तो लाल हुआ हुआ, हुआ, हुआ है पूरा चेहरा सूजा हुआ है पता तो चला पीटा तो है किसी से बट मारा किसने ये नहीं पता किसी का चेहरा पीने वाला बीजू मिलेगा आंग सूजा हुआ मिलेगा कहीं सिर फटा हुआ मिलेगा हाथ फटा हुआ मिलेगा पूछे क्या होगा वो गिर गया था जी कल मारा किसने पता ही नहीं है ये लिखा इसमें होता ही है उस टाइम भी ऐसे लोग थे तभी तो सुलेमान लिखा गया कहीं नाले की उधर उल्टी करके पड़ा होता है मैंने देखा आंखों के सामने नाले के साथ उल्टी करके पड़ा होता था कुत्ता आके क्या करता है वो चाटता है उसकी मुंह से उसकी उल्टी खा लेता है उसके बाद उसी के चेहरे में शिशु करके जाएगा ये लिखा है जी मेरे बट ये सब होने के बाद भी वो सुबह होश में आके क्या ढूंढता है पहले अगला सुबह होश में आके क्या ढूंढता है फिर पौआ कहा मिलेगा जी बेटे को बोलेगा दो रुपए का वो पाउचला चला पानी वाली और कल का मेरा बोतल में स्कूटी के पीछे पड़ा है जी वो लिया और फिर उसी में जाता रहेगा रहे वो जिंदगी एक मसी लड़का एक परमेश्वर में रहने वाला एक बेटे के लिए योग्य नहीं है और एक बाइबल वर्ष मैं आपको शेयर करूंगा जब मैंने नीतिवचन पढ़ा था मैंने भी मसीह में आने के बाद पांच छह महीना उस रास्ते थोड़ा उल्टा सीधा गया बट ये बाइबल वर्ष मुझे चेंज किया मुझे समझ आया थर्टी वन फोर टू सेवन ये मेरा मुझे टच किया गया मैंने डिसीजन लिया गया बाइबल वर्स है ये, भजन सॉरी हे राजाओं का दाक मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा न हो कि वह पी कर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है और दाक मधु उदास मन वालों को ही देना जिससे वह फोर पीकर, हाँ, पीकर? पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करे उसी को दोबारा ये मुझे समझाने वाला वर्ष मुझे लॉजिक समझ आता है उस for, वर्स for, पढ़ लीजिए हे लैमुल राजाओं का दाक मधु पीना उनका शोभा नहीं करता और मदिरा चाना रईसों को नहीं फंपता एक बंदे का नाम है जो नीतिवचन अध्याय इकतीस का नीतिवचन खत्म हो रहा है इकतीस अध्याय उसके लास्ट में लिखा है लेमुवेल हे सागर हे राहुल ये खुशबू राजाओं को दाकमधु हरीश हे लीडर अगवाद राजाओं को दाकमधु पीना शोभा नहीं देता राजा मतलब अगुआ लीडर सीईओ मैनेजर मालिक टॉप लेवल में जाने वाला एक अच्छा काम करने वाला एक अगुआ एक इंपॉर्टेंट बंदा तू बनना चाहता है जिंदगी में कुछ बनना चाहता है रईसों को ये शोभा नहीं देगा अगुओं को शोभा नहीं देगा जो टॉप लेवल में जाना उनको शोभा नहीं देगा आप देखना जो कंपनियां अपनी सीईओज़ अपनी टॉप पोजीशन में जाता है कुछ कंपनियां पार्टी चलता है सोशल ड्रिंक चलता है बट उसी मालिक भी प्रिफर करता है उसकी कंपनी ऐसे बंदा चलाए जो दारू नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि कोई भी कंपनी पियकड़ों के हाथों में अपनी कंपनी हैंड नहीं करना चाहता क्योंकि उल्टा सीधा डिसीजन लेगा ये अगुवे मैनेजर मालिक रेस पावर में ताकत में आप कल बनना चाहते हो आज बनना चाहते हो आपको क्या नहीं रॉयस में निकल गया मालिक समझो आप कल रोल्स में चर्च में आ रहे हैं पांच करोड़ की गाड़ी में और आया गाड़ी से बाहर निकल गया दो रुपए का तंबा को निकल के वो बना रहे कैसे लगेगा हमें देखने में बड़ी तोले का चेन पहना हुआ है एंड वाइट पहना है और जैसे पता चलेगा तब भी भाई साहब ये तो अभी भी पैसा आया बस ये अभी भी ऐसी है को बड़े लेवल पे जाना उनको क्या नहीं देगा शोभा नहीं देगा समझो इस चीज को और पांच किसको पिलाओ ये पांच में कह रहे उसको पिलाओ हाँ जी पांच में ऐसा ना हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे गलत काम उस... क्योंकि रूलर लीडर पी के उल्टा सीधा काम करके व्यवस्था सिस्टम्स भूल जाए आपका मां की उम्र वाला लेड़ी, लेड़ी से उल्टा सीधा बोला बहन को जाके कुछ उल्टा जो बहन अपनी शादीशुदा है फिर भी जाके कोई औरत के साथ गलत व्यवहार किया और पकड़ा गया कैमरा में आ गया पिट गया लड़ाई हो गया व्यवस्था भूल गया पी के उसको कौन था बेटा कौन है बाप कौन है माँ कौन है बहन कौन है पता नहीं उल्टा सीधा काम कर लिया व्यवस्था भूल गया और छे मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है आ मदिरा किसको पिलाओ जो मरने पर है बाइबल कह रहे है, जो मरने ऑलरेडी मरने जा रहे गरीबी में खत्म होने उसको और पिला दो सरकार कोविड में चालीस पैंतालीस दिन तो ठेका बंद रखा लोगों को मजा नहीं आया क्या बोला जी खोलो पहले याद है आपको परचून की दुकान खोले ना खोले बटिया खोलना चाहिए जी सरकार ने भी बोल दिया चलो मरना है तो पी लो जी हमें इनकम आ रहा है क्या प्रॉब्लम है टैक्स आ रहे आपको डिसीजन लेना मरने वाला हो आप खत्म होना है आपका आगे बढ़ना है आप ऐसे नहीं करेंगे आगे और दाक मधु मन वालों को ही देना दाक मधु किसको देना उदास मन वालों को ऑलरेडी दुखी में गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया बिजनेस नुकसान हो गया जी कर्जे में दुख में उसको और पिला दो दुखी में बैठने दो जो है उसको और पिलाइए उसका बाइबल भी समझा रहा है जो खत्म होने वाला है है परेशानी में उसको और पिला दो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप जानते हम्म जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण सरकार गवर्नमेंट लोग पिलाना इसलिए चाहता है गरीब में भी पड़े वो पी के अपना क्या भूल जाए दुख भूल जाए क्या भूल जाए दुख भूल जाए दरिद्रता भूल सुबह से शाम तक मेहनत किया और रात को बैठ के सोचेगा मैंने पांच सौ रुपए कमाया दो सौ रुपये कमाया एक हजार रुपये कमाया इकट्ठे करने है, कुछ और काम कर रहे हैं आगे बढ़ना है वो शाम को आया छह बजे नौकरी से निपट गया उसी ठेके पे से लेके पवा लिया सात बजे पिया खाया आठ बजे घर पहुंचा सो गया वो पी के अपनी दरिद्रता भूल, भूल जाए घर पे बिजली है नहीं है भूल जाए घर पे बच्चों के लिए खाना है नहीं है भूल जाए बीवी बच्चों का घर पे आशीष है नहीं है रेशन है वो अपनी गरीबी में पड़ रहे हो भूल जाए बट राजाओं को ये शोभा पढ़ लीजिए उस वर्ष को थर्टी वन का फोर हे लेक मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाना रईसों को नहीं फपता आप सोचिए आपने कितनी अमीर आदमियों को बैठ के बीड़ी पीते हुए देखा ज़मीन बेच के 25 करोड़ 30 करोड़ कमाया उसके बाद वो तावो बैठ के गली में बैठ के बीड़ी पीने की बात नहीं कर रहा हूँ रियल फाइनेंस कमाया जमीन लॉटरी लग गया दहेज आया उस उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं रियली really? लॉटरी लग गया दहेज आया जमीन बिक गया बाप दादा होगा पच्चीस करोड़ आया तीस करोड़ आया ऐसे बहुत सारे तावों को मैं जानता हूँ बैठ के सुट्टा मारता रहता है बट रियली really? अपने मुकेश अंबानी को अदानी को टाटा को बिरला को आपके हमारे शहर का भी पॉलिटिशियंस भी हो साथों में उसके साथ मिला आपको वो बैठा हुआ है नहीं क्योंकि रईसों को ये शोभा शोभा नहीं देता गरीबी में पड़ा रहना है मोस्ट वेलकम पीते रहिए गरीबी परेशानी में पड़ा रहना तो मोस्ट वेलकम पीए सरकार को और टैक्स दे दीजिए और ठेकेदार भी हैप्पी होगा अपनी भाई को हस्बैंड को मां को बहन को चाचा को मामा को सुनाइए समझाइए इसको और उनको डिटेल समझाइए इसलिए इस काम के द्वारा ये पीना नहीं है और पहला करंथियों अध्याय दस का 13, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे पहला करंथियों अध्याय दस का तेरा तुम किसी ऐसे परीक्षा में, से में, कि प... में नहीं पढ़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको दोबारा पढ़िए एक और बार पढ़िए तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है कोई भी परीक्षा परमेश्वर लेके नहीं आएगा जो आपके सहने से बाहर है हर परीक्षा परमेश्वर लेके आए प्रभु आपका लिमिट टेस्ट करना चाहता है बट परमेश्वर आपको नशा दे के सिगरेट तंबाकू दे के आ तू देखना चाहता हूं तू कितना पी सकता है वचन में परमेश्वर ने लिखा गया परीक्षा से भग जा तेरे को लग रहा है ये तू झेल नहीं पा रहा जस्ट रन अवे वे विचार आपको अटैक कर रहे हैं आपको लगता है समझाने मत जा वे विचार की प्रसेंस में मत बैठे भग जाओ उसी जगह से जो आप बच जाए आपको ब्लेसिंग्स में जाए आशीष में जाए क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामत से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको आप सह सको आप इससे बाहर हर परीक्षा से आप नशे से बाहर निकल सकता ही ईश्छुक है सामत के नाम से तंबाकू हो पंगा हो कुछ भी हो बाहर आ सकता ही है यीशु कैसा आप कितनी गवाहियां सुनते हैं मेरा हस्बैंड नशा छोड़ दिया जी बहन नशा छोड़ दिया जी भाई नशा छोड़ दिया जी बेटा नशा छोड़ दिया जी हस्बैंड नशा छोड़ दिया जी सो so, कोई भी नशा हो आज आप प्रार्थना करेंगे आराधना में जाएंगे अपने पैरों में आएंगे और आज मांगेंगे परमेश्वर बुद्धि दे सामर दे इस एडिक्शन से इस शैतानी एडिक्शन से दुष्टों का चाल से बाहर आने के लिए मुझे मदद करो परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें